साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। एसएसपी झांसी शिवहरी मीणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत झांसी जिले की थाना लहचूरा पुलिस बुधवार और गुरुवार की मध्यरात्रि करीब 12 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष लहचूरा अमरनाथ व थाना अध्यक्ष पूंछ सुरेंद्र प्रताप सिंह की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घाट लहचूरा पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आते हुए दिखा, जिसको पुलिस द्वारा रोका गया। बजाय रुकने के वह भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति का पीछा किया गया। करीब 1 किलोमीटर दूर तक मोटरसाइकिल से भागने के बाद घाट लहचूरा तथा बमौरी लिंक रोड के बीच पुलिया पर मोटरसाइकिल फिसलने से गिर गया तथा पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश छिप्पू उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र महेश राजपूत निवासी ग्राम एटाइल थाना लहचूरा उम्र करीब 26 वर्ष के पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। गिरफ्तार बदमाश थाना लहचूरा पर पंजीकृत जानलेवा हमले के अभियोग में वांछित तथा 25,000 रुपये का इनामिया है। गिरफ्तार घायल बदमाश पर हत्या समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मऊरानीपुर से शैलेंद्र धमेनिया की रिपोर्ट। का क्या गुटबर्क हुआ और किससे मुठभेड़ हुई है सर? एक 25,000 का इनामिया बदमाश है, इसका नाम है टिप्पू पुष्पेंद्र और ये इटैल गांव का रहने वाला है और हमारे मुकदमा पर संख्या 52/22 में ये वांछित था और आज ये हमारी पुलिस टीम जो है चेकिंग कर रही थी यहाँ वाला चूरा घाट काफ़ी तरफ से आ रहा है, जब इसको घेरने के प्रयास किया तो पुलिस ने फायरिंग, जब आपने पुलिस ने भी फायरिंग की तो इसको चोट दिया, ये गोली लगी है पैर में तो इसको इलाज अस्पताल। सर जो बदमाश से मुठभेड़ हुई है इसके कितने मामले हैं और किस बार कितने वांछित था? 5-7 मामले हैं, 302 का भी पुराना मामला है और अभी फिलहाल 307 के मुकदमे में अभी ताज़ा मुकदमा उसे वांछित है। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।